हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के बारे में, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप 2021 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है। इस जैसे कि आप जानते हैं कि स्कॉलरशिप पहले आपको 12th वालों को मिलती है, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे करके आपको मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप ऑनलाइन माध्यम से अपना स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आई है या नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोज की न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने लैपटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, चाहे क्रोम ब्राउजर हो, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना होगा। सिंपली इसमें डालना होगा PFMS। डालने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना होगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाती है, इसमें लिखा है PFMS.NIC.IN, ये दिख रही है। इसके बाद नीचे लिखा है नो योर पेमेंट्स। दोस्तों, इसमें क्लिक करेंगे नो योर पेमेंट्स में आपको, तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाती है। इसमें ऊपर लिखा है पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपना बैंक का नाम डालना होगा, जो भी आपका बैंक का नेम वो डालना होगा। तो मेरा इंडियन बैंक है, तो मैं अपना इंडियन बैंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी बैंक हो वो डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक इसमें हैं, कोई भी ऑल इंडिया के कोई भी बैंक हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको यूपी देखना है तो आप यूपी जितनी बैंक है वही डालेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इंटर अकाउंट नंबर, आप जो भी अकाउंट नंबर वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको दूसरे बॉक्स में आपको कंफर्म करना है, ये सेम अकाउंट नंबर फिर से आपको डालना होगा। तो मैंने फिर डाल दिया है। फिर डालने के बाद दोस्तों, आपको दे सकते हैं, आपको सामने जो कैप्चा कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली इसी प्रकार आपको भर देना है, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या फिर स्मॉल लेटर में हो या चाहे या फिर नंबर में हो। तो जैसा हो सिंपली इसको वैसा ही भर देना होगा, ठीक है। तो मैंने इसके भरने के बाद सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर दिया है, ठीक है। दोस्तों, मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने लिख के आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारा अभी जो स्कॉलरशिप नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो आपको नीचे इसी में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नेम लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, आपकी कितनी पेमेंट आपकी स्कॉलरशिप की आई है वो लिखा होगा, किस डेट को आई है और किस बैंक में आई है, इसकी सारी डेटेड वगैरह एक ही लाइन में आपको सिंपली लिखी मिलते हैं। तो गाइस, आप आसानी से अपनी बैंक का यानी अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस ऑनलाइन माध्यम से आप दे सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं। तो गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में भी हम क्लियर कर देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, 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 oh